अच्छा अपना टॉपिक है पतली फिल्मों में व्यतिकरण फ्रिंजे। देखिए अपन ने द्विप्रिज्म कर लिया था, फ्रेनेल का द्विप्रिज्म कर लिया था, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर लिया था। अब अपन आगे बढ़ते हैं पतली फिल्मों में व्यतिकरण फ्रिंजे। देखिए इसमें क्या होता है कि एक टी मोटाई की किसी फिल्म पर, फिल्म का मतलब है दो एक समान माध्यम के बीच में कोई तीसरा माध्यम अगर भरा हुआ हो, दो एक समान माध्यम के बीच में यदि कोई अलग से माध्यम भरा हुआ हो, जैसे मान लो अगर ये हवा है ये बीच वाला पानी है, तो इसे अपन फिल्म कहेंगे। ठीक है, ये कांच है और अगर ये बीच वाली हवा है तो इसे भी अपन फिल्म कहेंगे। ठीक है, तो दो एक समान माध्यम के बीच में यदि कोई अन्य माध्यम भरा हुआ हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, पतली फिल्म कहते हैं। यदि इस पे प्रकाश की किरण आपतित होती है तो इसका कुछ हिस्सा आयाम विभाजन के कारण क्या उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तथा कुछ हिस्सा फिल्म के अंदर कुछ ना कुछ पथ वो प्रदर्शित करता है। इसके बाद में यहां से फिर से यह प्रतिक्रिया परावर्तित होगी, यहां जाएगी, इसका कुछ हिस्सा ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे जाएगी, इसका कुछ हिस्सा ऐसे चल जाएगा, यहां से कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आएगा, यहां से भी कुछ हिस्सा बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये है पतली फिल्मों के लिए अपना डायग्राम। ठीक है, यहां पे ये अभिलंब है, इन किरणों को अपन कहते हैं परावर्तित किरण। इन किरणों को अपन क्या कहते हैं, परावर्तित किरण, और ये होती हैं पारगमित किरण। इन्हें कहते हैं अपन पारगमित किरण। ठीक है, अब इसके बाद में अपन को दो व्यतिकरण प्रतिरूप पढ़ने हैं, परावर्तित किरणों का और पारगमित किरणों का। ठीक है, उनके लिए कब काली फ्रिंजे बनेंगी, कब चमकीली फ्रिंजे बनेंगी, अपन को उसका प्रतिरूप निकालना है। तो लिखिए इसमें, माना समान मोटाई टी तथा अपवर्तनांक म्यू, समान मोटाई टी तथा अपवर्तनांक म्यू वाली पारदर्शी फिल्म पर, पारदर्शी फिल्म पर कोई किरण आपतित होती है। इसे कहते हैं अपन S, ये बिंदु है P1, ये है रिफ्लेक्टेड वेव R1, R2, R3, यह ट्रांसमिटेड वेव T1, T2, T3 का अपन को कोई मतलब नहीं है। यहां से अपन एक लंब यहां डालेंगे N, आपतित होती है बिंदु P1 पर आयाम के विभाजन द्वारा यह किरण P1 R1 तथा P1 C1 किरणों में टूट जाती है। पतली फिल्म द्वारा
बार बार परावर्तन व अपवर्तन होने के कारण, परावर्तन व अपवर्तन होने के कारण हमें हमें P1R1, P2R2, P3R3 इत्यादि हमें P1R1, P2R2, P3R3 इत्यादि परावर्तित किरणें तथा तथा C1T1, C2T2 इत्यादि इत्यादि पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं, पारगमित किरणें प्राप्त होती हैं। बार बार अपवर्तन तथा परावर्तन होने के कारण, बार बार अपवर्तन तथा परावर्तन होने के कारण कारण तरंग की तीव्रता में कमी आ जाती है। अतः आगे की तरंगों का व्यतिकरण प्रतिरूप में योगदान अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है, अधिक महत्वपूर्ण नहीं रह जाता है। परावर्तित तथा पारगमित किरणें समानांतर होने के कारण अलग अलग व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं। ठीक है, तो ये आपतन कोण है आई और ये है अपवर्तन कोण आर। अब अपन इसकी डेरिवेशन करते हैं, ये भी आर है। डायग्राम आप बुक में देख लें, बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा। ठीक, पहला टॉपिक लिखेंगे इसमें, या पहला पॉइंट, परावर्तित किरणों में व्यतिकरण। परावर्तित किरणों में व्यतिकरण, इसमें लिखेंगे बिंदु P2 से P1R1 पर एक लंब P2A
डालते हैं, एक लंब पी टू ए डालते हैं, अतः P1R1 तथा P2R2 के मध्य पथांतर के मध्य पथांतर। देखिए पथांतर कैसे निकलेगा, देखिए AR1 और P2R2 ये दूरियां बिल्कुल सेम है, AR1 और P2R2 ये दोनों दूरियां बिल्कुल सेम है, तो पथांतर कौन सा आया, AP1C1P2 इनका इन जगह पे जो पथांतर है वो ही अपन को क्या करना है, कंसिडर करना है, A से लेके P1 तक और P1C1P2 तक, ये वाला इन दोनों पथों का जो अंतर आएगा वही क्या होगा, पथांतर होगा। लेकिन P1C1P2 ये माध्यम में चला गया पथ है और ये वायु में चला गया पथ है, तो इनके बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। लिखेंगे अतः पथांतर क्या होगा, म्यू अपवर्तनांक वाले माध्यम में तय की गई दूरी माइनस P1A दूरी, ये जो वायु में चली गई दूरी है ना P1A इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, म्यू इंटू P1C1 + C1P2 माइनस P1A, समीकरण नंबर एक। म्यू देखिए अपन जब भी किसी माध्यम में चली गई दूरी निकालते हैं तो उसके अपवर्तनांक को गुणा करते हैं। चलिए इसके बाद में लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है कि एंगल P1C1N इक्वल्स टू एंगल N C1P2 इक्वल्स टू आर। अतः त्रिभुज P1C1N में देखिए अपन को ये वाली दूरी निकालनी है P1C1, तो कैसे निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज हो गया, त्रिभुज P1C1N में अपन को P1C1 निकालना है, एक एंगल दे रखा है अपने पास, तो कैसे निकालोगे आप, कॉस आर आधार बटे कर्ण, आधार डिवाइडेड बाई कर्ण, कर्ण क्या है P1C1, ये कर्ण होगा, आधार कौन सा हो गया ये NC1। देखिए कोण के जो सामने वाली भुजा होती है ना वो हमेशा लंब होती है, ये अपन को पता है, और जो समकोण बनता है वो लंब और आधार के बीच में बनता है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये क्या हो जाएगा NC1 इक्वल्स टू P1C1 cos R NC1 इक्वल्स टू P1C1, तो NC1 की वैल्यू क्या है T बराबर में आएगा T अपॉन P1C1। चलिए P1C1 को उधर ले जाएंगे और T को इधर ले।
cos r इधर लें तो हमें क्या मिला T1C1 equals to T upon cos r. T1C1 equals to T upon cos r. इसी प्रकार इसके बाद में लिखेंगे इसी प्रकार त्रिभुज NC1P2 में सेम ही आएगा. इसकी वैल्यू आर भी सेम है, टी भी सेम है, C1P2 इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर. C1P2 इक्वल्स टू टी अपॉन कॉस आर. ठीक है, इसे अपन समीकरण एक तक अपन ने दे दिया था, इसे अपन 1A दे देते हैं और इसे 1B दे देते हैं. चलिए इसके बाद में अपन चलते हैं त्रिभुज देखेंगे. त्रिभुज P1A P2 में त्रिभुज P1A P2 में एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री लंब है, तो ये 90 डिग्री का होगा, तो हमें क्या पता चलता है एंगल A P1 P2 प्लस एंगल A P2 P1 इक्वल्स टू 90 डिग्री. त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है. अगर एक 90 डिग्री का है तो बाकी दोनों का योग कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा. ठीक है, अब ये वाला कोण है वो किसके बराबर होगा, एंगल ए P1 P2 इक्वल्स टू एंगल ए P1 P2 प्लस आई इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस आई इक्वल्स टू 90 डिग्री से मिटा देता हूं. ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे समीकरण उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि अब ये भी 90 के बराबर है और ये दोनों भी 90 के बराबर है, तो क्या होगा ए पी वन पी टू प्लस ए पी टू पी वन इक्वल्स टू ए पी वन पी टू प्लस आई विच गिव्स अस एंगल ए पी टू पी वन इक्वल्स टू एंगल आई. ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज P1A P2 से अपन को A P1 की वैल्यू निकालनी है. ये वही समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज A P1 P2 से ये वाली वैल्यू निकालनी है. आप कैसे निकालेंगे, आपको ये वाली वैल्यू पता है और एक वैल्यू आपको निकालनी है. ठीक है, कैसे निकालेंगे, साइन आई की वैल्यू निकालनी है. साइन आई की वैल्यू क्या होती है, लंब डिवाइडेड बाई कर्व.
लंब डिवाइडेड बाई कर्ण। तो इसमें लंब कौन सा होगा, पी वन ए कौन के सामने वाला, पी वन ए डिवाइडेड बाई पी वन पी टू, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, साइन आई इक्वल्स टू पी वन ए डिवाइडेड बाई पी वन पी टू, पी वन ए की वैल्यू क्या आ गई, पी वन ए इक्वल्स टू पी वन पी टू साइन आई, पी वन पी टू साइन आई। ठीक है, पी वन पी टू साइन आई। अब पी वन पी टू को अपन दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, पी वन एन प्लस एन पी टू, विच गिव्स अस पी वन एन प्लस एन पी टू इंटू साइन आई इंटू साइन आई। अब इसके बाद में लिखेंगे, अब अपन को ये दोनों वैल्यू निकालनी है, पी वन एन प्लस एन पी टू, ये इंटरवल से निकलेगी, लिखेंगे इसमें सीधा लिखते हैं अपन, त्रिभुज पी वन एन सी वन व पी टू एन सी टू से, पी वन एन सी टू से टेन आर इक्वल्स टू क्या हुआ, टेन इक्वल्स टू क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब डिवाइडेड बाई आधार। इसमें लंब कौन सा है, इसके जस्ट सामने वाला आर इक्वल्स टू पी वन एन डिवाइडेड बाई आधार की वैल्यू क्या है, एन सी वन, या पी वन एन इक्वल्स टू एन सी वन टेन आर, विच गिव्स अस टी डॉट टेन आर, पी वन एन इक्वल्स टू टी डॉट टेन आर। चलिए इसी प्रकार सी में आएगा, इसी प्रकार किसी प्रकार पी टू एन इक्वल्स टू टी डॉट टेन आर, इसी प्रकार पी टू एन इक्वल्स टू टी डॉट टेन आर। ठीक है, अतः है पी वन ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, पी वन ए की वैल्यू क्या थी, दोनों की का योग टी डॉट टेन आर प्लस टी डॉट टेन आर इंटू साइन आर, सॉरी साइन आई। T dot n r equals to sin i, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 t n r sin i, 2 t tan r sin i। अतः है परावर्तित किरणों में पथांतर। देखिए दोनों की वैल्यू जब अपन ने निकाल ली है, वैल्यूज का मान ही रखना है, इसको पथांतर को अपन डेल्टा वन से रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा वन इक्वल्स टू म्यू पी वन सी वन पी टू, ये वाला जो पथ है उसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी, वो क्या आई थी, टी अपॉन कॉस आर प्लस टी अपॉन कॉस आर, ये अपने पास वैल्यू चाहिए थी, अपन इक्वेशन नंबर दे रखी है उनको आप देख सकते हैं।
इसके बाद में माइनस टू टी डॉट टेन आर साइन आई माइनस ऑफ टू टी टेन आर साइन आई। ठीक, इसके बाद में क्या आ जाएगा, ये टू न्यू, ये टू हो जाएगा टी अपॉन कॉस आर माइनस टू टी टेन आर साइन आई, टू टी टेन आर साइन आई विच गिव्स अस टू न्यू टी, अपन कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा वन अपॉन कॉस आर माइनस टेन आर साइन आई। चलिए इसके बाद में टू न्यू टी वन अपॉन कॉस आर माइनस टेन आर को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू म्यू। स्नैच के नियम से म्यू की वैल्यू क्या है, चलिए मैं लिखवा दूंगा आपको, म्यू इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर। स्नेल के नियम, स्नेल के नियम, ठीक है। तो ये नीचे है तो ऊपर उल्टा हो जाएगा, साइन आर अपॉन साइन आई और साइन आई इसके साथ है। चलिए इसके बाद में साइन आई से साइन आई कैंसिल और ये हो जाएगा टू न्यू टी अपॉन कॉस आर, कॉस आर को भी अपने को मिल गया वन माइनस साइन स्क्वायर आर इक्वल्स टू टू न्यू टी कॉस आर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस स्क्वायर आर विच इज टू न्यू टी कॉस आर, डेल्टा वन इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर। चलिए यहां तक अपन ने कर लिया, इसे अपन इक्वेशन नंबर टू दे देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर जो भी आपके चल रही है उन वो इसे दे देंगे, डेल्टा वन इक्वल्स टू टू म्यू टी कॉस आर। चलिए देखिए, जब भी कोई तरंग ऐसे अपवर्तन प्रदर्शित करती है तो स्टोक्स ने एक नियम दिया था, उसके अनुसार कुछ ऐसा पथांतर है जो स्वाभाविक ही उसमें उत्पन्न हो जाता है बिना किसी घटना के कारण। हमें वास्तविक पथांतर चाहिए, ये कुल पथांतर है, हमें वास्तविक पथांतर चाहिए। इस पथांतर में से कुछ पथांतर तो ऐसा है जो स्वाभाविक रूप से ही उत्पन्न होता है, उसमें किसी घटना का कोई लेना देना नहीं है। तो लिखिए इसमें स्टोक्स के अनुसार जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम के पृष्ठ से परावर्तित होती है तो प्रकाश की किरण के पथ में
तो प्रकाश की किरण के पथ में, तो प्रकाश की किरण के पथ में लैम्डा बाई टू का पथांतर, लैम्डा बाई टू का पथांतर, लैम्डा बाई टू का पथांतर उत्पन्न हो जाता है, पथांतर उत्पन्न हो जाता है। अतः के बाद में लिखेंगे, अतः परावर्तित किरणों के मध्य, परावर्तित किरणों के मध्य प्रभावी पथांतर, प्रभावी पथांतर डेल इक्वल्स टू डेल वन माइनस लैम्डा बाई टू। देखिए जो लैम्डा बाई टू है वो स्टोव के नियम के कारण पथांतर उत्पन्न हुआ है वो है। ध्यान रखेंगे स्टोव का नियम तभी लगता है जब किरणें सघन माध्यम से परावर्तित होती है। सीधा सीधा ये कहें कि ये नियम सिर्फ परावर्तित किरणों में ही लगेगा, पारगमित किरणों में ये नियम वैलिड नहीं है। ठीक है, अब अपने पास जो प्रभावी पथांतर आया वो क्या आया, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू। इसे अपन नेक्स्ट इक्वेशन दे देंगे, मेरे लिए वो इक्वेशन थर्ड है, आपने जो भी दी है वो उस हिसाब से ले लेते। ठीक, ये अपने पास आ गया पथांतर। अब इसके बाद में इसके दो केस बनते हैं व्यतिकरण में, अपन जानते हैं समकोशी और विनाशी व्यतिकरण। पहला लिखेंगे समकोशी व्यतिकरण, पहला लिखेंगे समकोशी व्यतिकरण। देखिए समकोशी व्यतिकरण कब होता है, अपन पढ़ चुके हैं समकोशी व्यतिकरण कब होता है, जब किरणों के मध्य का पथांतर, किरणों के मध्य का पथांतर एन लैम्डा के बराबर हो तो समकोशी व्यतिकरण की घटना होती है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू एन लैम्डा, 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू एन लैम्डा, विच गिव्स अस 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा प्लस लैम्डा बाई टू, विच गिव्स अस 2 म्यू टी cos r equals to lambda n plus 1 by 2 lambda n plus 1 by 2 lambda। ठीक है, इसमें लिखेंगे जब उपरोक्त समीकरण, जब उपरोक्त समीकरण, जब उपरोक्त समीकरण संतुष्ट होता है, संतुष्ट होता है तो परावर्तित प्रकाश में, तो परावर्तित प्रकाश में, तो परावर्तित प्रकाश में चमकीली फ्रिंजें, चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, चमकीली फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। चलिए ये समकोशी व्यतिकरण हो गया, इसके बाद में लिखेंगे विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण में लिखेंगे जब पथांतर, जब पथांतर लैम्डा बाई टू का, लैम्डा बाई टू का विषम गुणज होता है, विषम गुणज होता है, विषम गुणज होता है, विषम गुणज होता है तो विनाशी व्यतिकरण होता है, तो विनाशी व्यतिकरण होता है। 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई टू इक्वल टू 2 एन प्लस माइनस 1 लैम्डा बाई टू। देखो प्लस माइनस 1 का मतलब ये है कि अगर माइनस होगा तो भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी और अगर प्लस होगा तो भी विषम संख्या ही प्राप्त होगी।
तो सिमेट्री के लिए अपन यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों से रिजल्ट सेम ही आएंगे। सिमेट्री के लिए अपन 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2 एन माइनस 1 लैम्डा बाई 2 विच गिव्स अस 2 म्यू टी कॉस आर माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल्स टू 2 एन लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 से लैम्डा बाई 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, विच गिव्स अस 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन लैम्डा। ये विनाशी व्यतिकरण की शर्त हमें प्राप्त हुई है जिसमें 2 म्यू टी कॉस आर बराबर अगर एन लैम्डा होगा तो पतली फिल्मों में परावर्तित किरणों से बनने वाले व्यतिकरण प्रतिरूप में फ्रिंजे चमकीली प्राप्त होगी। ये ध्यान दें, जब हमें परावर्तित किरणों के लिए इस समीकरण की संतुष्टि प्राप्त होती है तो उस स्थान पर काली फ्रिंजे बन रही हैं, वहां पे अंदर अंधेरा रहेगा, ठीक है। और उससे पहले वाली कौन सी, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू एन प्लस हाफ लैम्डा, इसके लिए हमें कौन सी फ्रिंजे प्राप्त होती हैं, चमकीले फ्रिंजे प्राप्त होती हैं। ये विनाशी व्यतिकरण हो गया पतले फिल्मों के पार परावर्तित किरणों के प्रतिरूप में। अब अपन करेंगे पारगमित किरणों का प्रतिरूप। चलिए, ये अपना परावर्तित किरणों वाला हो गया है, अब अपन करेंगे पारगमित किरणों में व्यतिकरण। पारगमित किरणों में व्यतिकरण, इन वाले किरणों की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही जो यहां से कम डाला था ए, अब वो यहां से डाल देते हैं अपन बी। इसमें लिखेंगे बिंदु C2 से एक लंब C2B किरण C1T1 पर डालते हैं, अतः पथांतर क्या हो जाएगा, सेम बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगी, डेल्टा 1 इक्वल्स टू C1 P2 C2 इंटू म्यू माइनस ये वाला जो डिफरेंस है C1B माइनस C1B, ठीक है, म्यू C1P2 प्लस P2 C2 माइनस C1B, ठीक है। एंगल आर इक्वल्स टू एंगल C1P2M, ये हो गया एम यहां पे, और ये दोनों हो गए आर। सेम बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगी जो अपन ने परावर्तित किरणों में किया था, इक्वल्स टू एंगल C2P2M C2P2M, ठीक है। इसके बाद में लिखेंगे त्रिभुज C1P2M तथा त्रिभुज M P2 C2 में C1P2 equals to P2C2 equals to वही जो अपन ने किया था त्रिभुजों से, सेम आएगा बिल्कुल T upon cos R,
तथा ज्यामिति से कोण बी सी टू सी वन इक्वल्स टू कोण आई। सेम प्रोसेस जो अपन ने पिछले वाले टॉपिक में की थी वही प्रोसेस चलेगी, इसमें कोई अलग से नहीं चलेगा, बस डायग्राम अलग होगा, बिंदु अलग हो जाएंगे। ठीक है, त्रिभुज सी वन बी सी टू में साइन आई इक्वल्स टू सी वन बी अपॉन सी वन सी टू, वही समकोण त्रिभुज है। चलिए इसको अगर अपन आई मान लेते हैं इस कोण को, तो ये हो जाएगा सी वन सी टू विच गिव्स अस सी वन बी इक्वल्स टू सी वन सी टू साइन आई। सी वन सी टू बराबर क्या हो जाएगा, सी वन एम प्लस सी टू एम साइन आई, सी वन एम प्लस सी टू एम साइन आई। ठीक है, ये अपन ने किया जो अपन ने पिछले टॉपिक में किया है बिल्कुल सेम उसके जैसे ही चलेंगी सारी चीजें, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। इसके बाद में वही वैल्यू सारी वही आएंगी, अंतर सिर्फ स्टॉक्स के नियम का है। तो सी वन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टू पी टेन आर साइन आई, टू पी टेन आर साइन आई। अतः पतांतर, डेल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू टू पी अपॉन कॉस आर माइनस टू पी टेन आर साइन आई विच गिव्स अस टू म्यू टी वन अपॉन कॉस आर माइनस टेन आर अपॉन म्यू साइन आई विच गिव्स अस टू म्यू टी वन अपॉन कॉस आर माइनस साइन आर अपॉन कॉस आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई इंटू साइन आई। यहां तक की सारी डेरिवेशन सेम, टू म्यू टी अपॉन कॉस आर वन माइनस साइन स्क्वायर आर, टू म्यू टी कॉस आर, ये अपने पथांतर आ गए। इसमें एक छोटा सा नोट लिख लेंगे, पारगमित किरणों में परावर्तन, विरल माध्यम के पृष्ठ से होता है, विरल माध्यम के पृष्ठ से होता है, अतः इसमें स्टोक्स का नियम, प्रभावी नहीं होता है, स्टोक्स का नियम प्रभावी नहीं होता है, स्टोक्स का नियम प्रभावी